चल रहेगा और क्या कुछ तैयारी है। एक भैया पाटन सांकरा में संभागी भरोसा सम्मेलन और वह दिन हम लोगों के लिए पूरे देश के लिए बहुत यादगार दिन कि देश के एक तरफ अखंडता के लिए भारत रत्न राजीव जी ने अपने प्राण त्यागे थे और उस दिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना, राजीव गांधी युवा मितान क्लब और गोधन न्याय योजना की सब राशि का वितरण भी होगा और महात्मा गांधी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का भी शिलान्यास किया जाएगा। तो उस दिन बड़ा कार्यक्रम है और कितना जोश। असल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जनता सामने जाने के लिए उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, तो अब वो लड़ नहीं पा रहे हैं तो ईडी आईटी के सामने कर दिए हैं। खड़गे जी के अलावा कोई बड़े नेता शामिल होंगे क्या भविष्य के सम्मेलन में? खड़गे जी भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि वहाँ अब कर्नाटक में है, कल जाएंगे तो रुकेंगे और इस कारण से नहीं आ रहे, बाद में उनका कार्यक्रम बनेगा। हम लोग कोशिश कर रहे थे लेकिन वो नहीं आ पा रहे। मतलब आरक्षण का रोस्टर आने में काफी समय लग गया, 58% हुआ, कहीं ना कहीं 4 साल युवाओं का जो बर्बाद हुआ उसमें कुछ युवाओं को 4 साल नहीं, अभी 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 बात है 2000 ना वो तो फैसला अभी तो आया है ना, ये तो 22 में आया है ना, उसके बाद तो हम लड़ाई लड़े, विधानसभा पारित किए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिली और भर्तियां शुरू हो गई। इसका कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया जाएगा भरोसे के सम्मेलन में? छत्तीसगढ़ का कांग्रेस मॉडल। सांकरा की बात करें, पूरे देश में उसका संदेश गया है। ये सीजीपीएससी के रिजल्ट को अजय चंद्राकर जी ने बड़ा खगोलीय घटना बता दिया। अब वो तो अजय चंद्राकर के वो वैसे फ्रस्ट्रेशन में है बेचारा सर, उसको न पार्टी अध्यक्ष बना पा रही है न नेता प्रत्यक्ष बनाया है, उसे कोई जिम्मेदारी नहीं, एक प्रवक्ता बना कर रखे हैं, उससे उस फ्रस्ट्रेशन में तो कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। भरोसे का सम्मेलन सभी पूरे मंत्रिमंडल के लोग रहेंगे। सीएम साहब प्रेम प्रकाश पांडे जी ने कल कहा भरोसे का सम्मेलन जो है जनता का भरोसा उठ गया है, इस वजह से भरोसे का सम्मेलन कर रहे हैं। देखिए जनता का भरोसा है तभी ये सम्मेलन हुआ है और ये पहला नहीं है, इसके पहले सरगांव में बिलासपुर संभाग में हुआ, उसके बाद जगदलपुर में बस्तर संभाग हुआ, अब ये दुर्ग का संभाग है। कांग्रेस इनके पास कोई काम ही नहीं है ना, मतलब मैंने तो उस दिन भी मीडिया के सामने बोला कि नेता या पत्रकार या अधिकारी के बच्चे यदि सेलेक्ट होते हैं तो कोई अपराध नहीं है, उसकी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए और सार्वजनिक रूप से उन लोगों को मानसिक प्रताड़ना देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, आपके पास कोई तथ्य है तो बताइए ना, हम तो जांच करने के तैयार हैं, आप तथ्य तो दो। इनके पास कोई तथ्य नहीं है, सुबह सो उठ के सोशल मीडिया में लोग सक्रिय रहते हैं, किसी की छवि बिगाड़ने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए, कैसे करना है वो उसी में लगे रहते हैं। 2018 का मेरा फोटो एक तो छाप दिया, गिलास में चाय पी रहा हूँ, भूतपूर्व नेता प्रत्यक्ष वो भूत अचानक जागा और मेरा फोटो डाल दिए। तो इन लोगों के पास अब कोई काम नहीं है, इनको एक ही ट्रेनिंग दी गई है कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, जनता में इसका जनाधार खत्म हो गया है, विश्वास जनता भारतीय जनता पार्टी के लोग कर नहीं रहे, तो अब क्या, तो एक ही काम कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों का या कोई भी कार्यक्रम है उसको बदनाम करो। जाएंगे कहीं नहीं, गोढ़ी में एक बार गए उसके बाद दूसरा गौठान कौन से जाने वाले हैं उसका पता नहीं, 10,000 गौठान है और 4 महीने चुनाव है। ठीक है, थैंक यू भाई। मुख्यमंत्री दिया हो तो उसमें सभी पार्टी के लोग हैं, क्षेत्रीय दल के भी हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी है, कांग्रेस के हैं, सारे मुख्यमंत्रियों को मैंने पत्र लिखा, तो सभी दल के लोग हैं। और दूसरी बात यह है कि हम छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसे हम आगे बढ़ाने काम कर रहे हैं। आज देखिए आदिवासी नृत्य महोत्सव आज स्थापित हो गया, 3 साल से लगातार कर रहे हैं, तो देश और विदेश में हमारी पहचान बनी। रामायण गांव-गांव में इसका आयोजन होता है, उसका भी प्रदेश स्तर पर आयोजन किए थे, अब उसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसको राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रामायण महोत्सव वो करीब 3.5 लाख हो गया है और उसमें 50% 48% महिलाएँ हैं और उसमें
और उसी रेशियो में जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से गोबर बेच के आय वृद्धि हुई है। आज मैं ट्वीट देख रहा था रमन सिंह का कि एमटेक एमबीबीएस वाले भी बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं और उसको बड़े अपमानित ढंग से उन्होंने कहा है। तो रमन सिंह 15 साल तो लूटे हैं, लेकिन यार क्या विधायक के वेतन भत्ता लेना बंद कर रहे हैं क्या? वो तो दुनिया भर के पैसा इकट्ठा करके रख लिए हैं अपने नाम से, अपने बेटे के नाम से, सबके नाम से, उसके बाद लेना बंद किए। और बेरोजगार रमन सिंह अभी भी हवा में हैं। गरीब घर के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते? ऐसे परिवार के लोग नहीं हैं जो लोन लेके पढ़ाई किए हैं? बहुत सारे लोग हैं, तो ये तो उनका अपमान कर रहे हैं। गरीब का बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, गरीब का बच्चा एमबीए नहीं कर सकता, ये उस मानसिकता के लोग हैं। इसी हिसाब से वो ट्वीट कर रहे हैं। सर, रेस्लिंग फेडरेशन वाले अभी भी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट उन लोग का जारी है सर, और कांग्रेस ने बोला है कि अभी तक पीएम को अब तो बोलना चाहिए कब तक अपने सांसद को सेव करेंगे। सही बात है, जब पास्को एक्ट लग गया है तो आदमी बाहर कैसे घूम रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कानून अलग है और देश की जनता के लिए कानून अलग है। अब बेमेत अरिया के बिना तो कंप्लीट होगा नहीं, थोड़ा आ जाने दो। आता अभी तो बताया ना, उसको पता ही नहीं रहता कार्यक्रम का, पता ही नहीं रहता कार्यक्रम हो जाता है। कई बार देखा गया सर, कुछ कार्यक्रम होते हैं तो डॉक्टर साहब का चेहरा सामने आता है, अध्यक्ष पीछे हो जाते हैं, तो ये फरमान को कैसे देखते हैं? इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में बहुत गड़बड़ चल रहा है। कभी कोई किसी को नेता मानने को तैयार ही नहीं और किसी से कोई कम नहीं, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे बृजमोहन अग्रवाल जी हो, चाहे वो अरुण साहु जी हो, चाहे और कोई हो, वो एक दूसरे को कोई नेता मानने के तैयार नहीं है। और पहले वो हंटर चलाने वाली आके चली गई है ना, फिर जाम वाला आ गया है, अब उसके बाद माथुर साहब आए। लेकिन अभी भी मैं समझता था माथुर साहब बड़े सीजेंड हैं और ठीक ठाक चलेगा, लेकिन अब वही स्थिति बन रही है जैसे दुर्गावती क्या पुरंदेश्वरी दुर्गावती पुरंदेश्वरी ऐसा है कि राम सेवक पैकरा का कार्यकाल देखे नहीं, ये उसी प्रकार से चलता है। यहाँ विज्ञप्ति जारी करने वाला कोई और होता है, कार्यक्रम बनाने वाला कोई और होता है, चेहरा कोई और होता है। तो ये जो घटना आपने बताया है उससे स्पष्ट हो गया कि पैकरा जी और अरुण साहु में ज़्यादा अंतर नहीं है, कि उसको पता ही नहीं रहता था। मैं कई बार हम लोग पूछते थे कि क्या बयान देते, मुझे पता नहीं। तो उसी प्रकार से अरुण साहु जी के साथ भी यही हो रहा है। अच्छा, गौठान पूरा हो गया क्या उनका? अरे वो सब ठीक है, ये सब चीज सोशल मीडिया और मीडिया भर में है। ये लोग गौठान जाने वाले थे, एक आरंग के गोढ़ी गौठान में गए, कब से बोल रहे थे गौठान जाएंगे 8-10 दिन 15 दिन है ना, 15 दिन में एक गौठान, 10,000 गौठान बनाए हम लोग 10,000 गौठान जाते तो 15 दिन में एक गौठान तो 10,000 गौठान कितने दिन में, ये तो सवाल पूछा जाना चाहिए। गुजरात ने अनेक विभूति दी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुए। दो महापुरुष महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सब जानते हैं। भक्ति आंदोलन में बड़े बड़े संत हुए, समाज सुधारक हुए। लेकिन अभी आधुनिक वर्तमान समय में गुजरात में 4 लोग दिए, 2 बेचने वाले 2 खरीदने वाले। इसमें कौन सा भाई, उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदले थे ना, यूपी में 1 को तो राज्यपाल बना के भेजे कश्मीर का, है ना, और 8 दिन लगा था
मुख्यमंत्री चयन करने में। गुजरात में कितने मुख्यमंत्री बदले, पर उपदेश कुशल बहुत थे। पूरे होने का जश्न मनाने वाले, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की लिस्ट बनाई है और उनका सम्मान करने वाले घर में जाकर समर्थन जो है वो मांगे। हाँ, मतलब उन लाभार्थियों का जो महंगा पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं, उन लाभार्थियों के पास जो महंगी रसोई गैस खरीद रहे हैं, उन लाभार्थियों के पास जिसका टॉयलेट तो बन गया है पेपर में लेकिन उपयोग नहीं हो रहा है, उन लाभार्थियों के पास जिसमें नोटबंदी के कारण से कितने लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हुआ, प्रभावित हुआ, उसको सम्मान करेंगे। और लॉकडाउन में कितने लोगों काल कवलित हुए, क्या यही इसी उपलब्धि पर जाएंगे या उन व्यापारियों के पास जो GST पटाते पटाते फार्म भरते भरते लोग परेशान हो गए हैं उसके पास जाएंगे? कर्नाटक आज शाम को जाऊंगा क्योंकि कल 12:30 बजे शपथ ग्रहण है, तो वेणुगोपाल जी का और DK शिव कुमार दोनों का फ़ोन आया था, निमंत्रण कल उपस्थित रहने के लिए अनुरोध किया गया, तो मैं आज ही शाम को चल दूँगा क्योंकि यहाँ से फ्लाइंग टाइम ज़्यादा लगता है, सुबह जाओ ट्रैफिक मतलब उसमें शाम को पहुँच जाओ। और पहले जगदलपुर में बस्तर में भरोसे सम्मेलन हुआ था, उसके पहले सरगांव में हुआ और अब पाटन सांकरा में दुर्ग संभाग का भरोसे सम्मेलन होगा और उसमें जहाँ राजीव गांधी के शहादत दिवस, उसके शहादत को भी याद करेंगे, उसके साथ साथ राजीव जी के नाम से जो योजनाएं हम लोगों ने बनाई है जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि, राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना की राशि और राजीव मितान क्लब की राशि, गोधन न्याय योजना की राशि, भूमि श्रमिकों के और ये राशि सब उस दिन वितरित भी किया जाएगा। और उसके साथ एक और बड़ा लक्ष्य जो हम लोगों था, महात्मा गांधी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, उसका भी शिलान्यास उस दिन किया जाएगा। तो ये उस दिन 21 तारीख की तैयारी हमारी चल रही है क्योंकि मेरे क्षेत्र में हो रहा है और इसलिए आज पाटन में जाके थोड़ा सा चर्चा भी करूँगा साथियों से। इनके पास कोई काम ही नहीं है ना, मतलब मैंने तो उस दिन भी मीडिया के सामने बोला कि नेता या पत्रकार या अधिकारी के बच्चे यदि सेलेक्ट होते हैं तो कोई अपराध नहीं है, उसकी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए और सार्वजनिक रूप से उन लोगों को मानसिक प्रताड़ना देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, आपके पास कोई तथ्य है तो बताइए ना, हम तो जाँच करने तैयार हैं, आप तथ्य तो दो। इनके पास कोई तथ्य नहीं है, सुबह सो उठ के सोशल मीडिया में लोग सक्रिय रहते हैं, किसी की छवि बिगाड़ने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए, कैसे करना है वो उसी में लगे रहते हैं। 2018 का मेरा फोटो एक तो छाप दिया, गिलास में चाय पी रहा हूँ, भूतपूर्व नेता प्रत्यक्ष वो भूत अचानक जागा और मेरा फोटो डाल दिए। तो इन लोगों के पास अब कोई काम नहीं है, इनको एक ही ट्रेनिंग दी गई है कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, जनता में इसका जनाधार खत्म हो गया है, विश्वास जनता भारतीय जनता पार्टी के लोग कर नहीं रहे, तो अब क्या, तो एक ही काम कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों का या कोई भी कार्यक्रम है उसको बदनाम करो। जाएंगे कहीं नहीं, गोढ़ी में एक बार गए उसके बाद दूसरा गौठान कौन से जाने वाले हैं उसका पता नहीं, 10,000 गौठान है और 4 महीने चुनाव है। ठीक है, थैंक यू भाई। मुख्यमंत्री दिया हो तो उसमें सभी पार्टी के लोग हैं, क्षेत्रीय दल के भी हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी है, कांग्रेस के हैं, सारे मुख्यमंत्रियों को मैंने पत्र लिखा, तो सभी दल के लोग हैं। और दूसरी बात यह है कि हम छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसे हम आगे बढ़ाने काम कर रहे हैं। आज देखिए आदिवासी नृत्य महोत्सव आज स्थापित हो गया, 3 साल से लगातार कर रहे हैं, तो देश और विदेश में हमारी पहचान बनी। रामायण गांव-गांव में इसका आयोजन होता है, उसका भी प्रदेश स्तर पर आयोजन किए थे, अब उसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसको राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रामायण महोत्सव वो करीब 3.5 लाख हो गया है और उसमें 50% 48% महिलाएँ हैं और उसमें
और उसी रेशियो में जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से गोबर बेच के आय वृद्धि हुई है। आज मैं ट्वीट देख रहा था रमन सिंह का कि एमटेक एमबीबीएस वाले भी बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं और उसको बड़े अपमानित ढंग से उन्होंने कहा है। तो रमन सिंह 15 साल तो लुटे हैं, लेकिन यह क्या विधायक के वेतन भत्ता लेना बंद कर रहे हैं क्या? वो तो दुनिया भर के पैसा इकट्ठा करके रख लिए हैं अपने नाम से, अपने बेटे के नाम से, सबके नाम से, उसके बाद लेना बंद किए। और बेरोजगार रमन सिंह अभी भी हवा में हैं। गरीब घर के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते? ऐसे परिवार के लोग नहीं हैं जो लोन लेके पढ़ाई किए हैं? बहुत सारे लोग हैं, तो ये तो उनका अपमान कर रहे हैं। गरीब का बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, गरीब का बच्चा एमबीए नहीं कर सकता, ये उस मानसिकता के लोग हैं। इसी हिसाब से वो ट्वीट कर रहे हैं। सर, रेस्लिंग फेडरेशन वाले अभी भी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट उन लोग का जारी है सर, और कांग्रेस ने बोला है कि अभी तक पीएम को अब तो बोलना चाहिए, कब तक अपने सांसद को सेव करेंगे? सही बात है, जब पास्को एक्ट लग गया है तो आदमी बाहर कैसे घूम रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कानून अलग है और देश की जनता के लिए कानून अलग है। अब बेमेतरिया के बिना तो कंप्लीट होगा नहीं, थोड़ा आ जाने दो। आता अभी तो बताया ना, उसको पता ही नहीं रहता कार्यक्रम का, पता ही नहीं रहता कार्यक्रम हो जाता है। कई बार देखा गया सर, कुछ कार्यक्रम होते हैं तो डॉक्टर साहब का चेहरा सामने आता है, अध्यक्ष पीछे हो जाते हैं, तो ये फरमान को कैसे देखते हैं? इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में बहुत गड़बड़ चल रहा है। कभी कोई किसी को नेता मानने को तैयार ही नहीं और किसी से कोई कम नहीं, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे बृजमोहन अग्रवाल जी हो, चाहे वो अरुण साहु जी हो, चाहे और कोई हो, वो एक दूसरे को कोई नेता मानने के तैयार नहीं है। और पहले वो हंटर चलाने वाली आके चली गई है ना, फिर जाम वाला आ गया है, अब उसके बाद माथुर साहब आए। लेकिन अभी भी मैं समझता था माथुर साहब बड़े सीजेंड हैं और ठीक ठाक चलेगा, लेकिन अब वही स्थिति बन रही है जैसे दुर्गावती क्या पुरंदेश्वरी दुर्गावती पुरंदेश्वरी ऐसा है कि राम सेवक पैकरा का कार्यकाल देखे नहीं, ये उसी प्रकार से चलता है। यहाँ विज्ञप्ति जारी करने वाला कोई और होता है, कार्यक्रम बनाने वाला कोई और होता है, चेहरा कोई और होता है। तो ये जो घटना आपने बताया है उससे स्पष्ट हो गया कि पैकरा जी और अरुण साहु में ज़्यादा अंतर नहीं है, कि उसको पता ही नहीं रहता था। मैं कई बार हम लोग पूछते थे कि क्या बयान देते, मुझे पता नहीं। तो उसी प्रकार से अरुण साहु जी के साथ भी यही हो रहा है। अच्छा, गौठान पूरा हो गया क्या उनका? अरे वो सब ठीक है, ये सब चीज सोशल मीडिया और मीडिया भर में है। ये लोग गौठान जाने वाले थे, एक आरंग के गोढ़ी गौठान में गए, कब से बोल रहे थे गौठान जाएंगे 8-10 दिन 15 दिन है ना, 15 दिन में एक गौठान, 10,000 गौठान बनाए हम लोग 10,000 गौठान जाते तो 15 दिन में एक गौठान तो 10,000 गौठान कितने दिन में, ये तो सवाल पूछा जाना चाहिए। गुजरात ने अनेक विभूति दी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुए। दो महापुरुष महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सब जानते हैं। भक्ति आंदोलन में बड़े बड़े संत हुए, समाज सुधारक हुए। लेकिन अभी आधुनिक वर्तमान समय में गुजरात में 4 लोग दिए, 2 बेचने वाले 2 खरीदने वाले। इसमें कौन सा भाई, उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदले थे ना, यूपी में 1 को तो राज्यपाल बना के भेजे कश्मीर का, है ना, और 8 दिन लगा था
मुख्यमंत्री चयन करने में। गुजरात में कितने मुख्यमंत्री बदले, पर उपदेश कुशल बहुत थे। पूरे होने का जश्न मनाने वाले जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की लिस्ट बनाई है और उनका सम्मान करने वाले घर में जाकर समर्थन जो है वो मांगे। हाँ, मतलब उन लाभार्थियों का जो महंगा पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं, उन लाभार्थियों के पास जो महंगी रसोई गैस खरीद रहे हैं, उन लाभार्थियों के पास जिसका टॉयलेट तो बन गया है पेपर में लेकिन उपयोग नहीं हो रहा है, उन लाभार्थियों के पास जिसमें नोटबंदी के कारण से कितने लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हुआ, प्रभावित हुआ, उसको सम्मान करेंगे। और लॉकडाउन में कितने लोगों काल कवलित हुए, क्या यही इसी उपलब्धि पर जाएंगे या उन व्यापारियों के पास जो GST पटाते पटाते फार्म भरते भरते लोग परेशान हो गए हैं उसके पास जाएंगे। कर्नाटक आज शाम को जाऊंगा क्योंकि कल 12:30 बजे शपथ ग्रहण है, तो वेणुगोपाल जी का और DK शिव कुमार दोनों का फ़ोन आया था निमंत्रण, कल उपस्थित रहने के लिए अनुरोध किया गया, तो मैं आज ही शाम को चल दूंगा क्योंकि यहाँ से फ्लाइंग टाइम ज़्यादा लगता है, सुबह जाओ ट्रैफिक मतलब उसमें शाम को पहुँच जाओ। और पहले जगदलपुर में बस्तर में भरोसे सम्मेलन हुआ था, उसके पहले सरगांव हुआ और अब पाटन सांकरा में दुर्ग संभाग का भरोसे सम्मेलन होगा और उसमें जहाँ राजीव गांधी के शहादत दिवस, उसके शहादत को भी याद करेंगे, उसके साथ साथ राजीव जी के नाम से जो योजनाएं हम लोगों ने बनाई है जिसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि, राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना की राशि और राजीव मितान क्लब की राशि, गोधन न्याय योजना की राशि, भूमि श्रमिकों के और ये राशि सब उस दिन वितरित भी किया जाएगा। और उसके साथ एक और बड़ा लक्ष्य जो हम लोगों था महात्मा गांधी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, उसका भी शिलान्यास उस दिन किया जाएगा। तो ये उस दिन 21 तारीख की तैयारी हमारी चल रही है क्योंकि मेरे क्षेत्र में हो रहा है और इसलिए आज पाटन में जाके थोड़ा सा चर्चा भी करूँगा साथियों से।